हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुशील कश्यप दिल्ली से। आज मैं आपको कुछ बेसिक हाइजीन बताना चाहता हूँ जो कि आमतौर पे लोग इग्नोर कर देते हैं। कोविड के जो पेशेंट होते हैं वो अपने सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे कि मास्क हो गया, रोज़ डेली यूज़ होता है। मेरे ख्याल से अगर पेशेंट क्रिटिकल है तो कितना ज़्यादा यूज़ होता है, कम क्रिटिकल है तो ब्रेक ले लेके यूज़ करते हैं। तो ये जो मास्क है ना, इसको भी साफ़ रखना और अच्छी कंडीशन में रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये मेरे पास सैनिटाइज़र है, इसको मैं स्प्रे करता हूँ सब तरफ, और रोज़ अर्ली मॉर्निंग इसको सब तरफ से ये क्लीन कर लेता हूँ। इससे क्या होता है कि आप जो भी इनहेल एक्सहेल करते हो, ब्रीथ करते हो, तो थोड़ा इसके अंदर जर्म्स इकट्ठे हो जाते हैं। आप रोज़ उसकी सफाई करेंगे, जैसे आप अपने आप की सफाई करते हैं, तो ये आपको जल्दी सही होने में मदद करेगा, प्लस उसको इन्फेक्शन होने में से भी रोकेगा। इसके अलावा ये मैं अपना डेली कुछ चीज़ें अपनी रोज़ ही साफ़ करता हूँ, जैसे कि मेरा मोबाइल फ़ोन भी, इसको भी मैं रोज़ सैनिटाइज़ करता हूँ रोज़ सुबह, और कोशिश करता हूँ शाम को भी हो जाए तो बेटर है। तो ये सब हॉस्पिटल एक्चुअली ऐसा एनवायरनमेंट होता है कि सब तरफ बैक्टीरियाज, वायरसेस, तो कोविड तो पहले ही लेके आए हैं, ऐसा ना हो कि कोई और एक साथ चीज़ पकड़ लें। तो बेटर है कि अपना ये सब छोटी छोटी बेसिक हाइजीन का ध्यान रखें, और कुछ करने को तो होता नहीं है हॉस्पिटल में, तो ये आपका मदद ही करेगा, ये टाइम यूटिलाइज हो जाएगा आपके भले के लिए। तो दैट्स इट। अगर वीडियो अच्छा लगे, लगे कि हाँ कुछ काम की बात है, किसी को फ़ायदा पहुंचा सकती है, जो पेशेंट कोविड में है, अकेला सर्वाइव कर रहा है, कोई मदद करने वाला नहीं है उसकी, लेकिन हाँ खुद का ध्यान रख सकता है, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, और लगे कि हाँ ठीक बनाई है तो फिर लाइक कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज मेरा 14th डे है, शायद मैं डिस्चार्ज हो जाऊँ, और अच्छा महसूस कर रहा हूँ मैं। धन्यवाद। जल्दी से रिकवर हूँ आप सब लोग, अपना ध्यान रखें और स्वस्थ हों।